हाय गाइस, वेलकम बैक। तो यार, मतलब लाइफ में मैंने पहली बार ही कुछ नकली सा करवाया है, मतलब नेल एक्सटेंशंस करवाए हैं और काफ़ी मज़ा आया देखने में कि कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आई थॉट कि इस बड़ी एंगेजमेंट में, क्योंकि आजकल तो ये इस नेल एक्सटेंशन बहुत ही नॉर्मल हो गया, लोग करवाने लगे हैं, तो मैंने सोचा अपनी एंगेजमेंट में, क्योंकि फ़ोटोज़ में मेरी फिंगर्स भी दिखनी है, तो मैं कुछ करवा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ये नेल एक्सटेंशन करवाए हैं और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, कैसे कैसे उन्होंने करा और इसके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो तो मैं आपको बाद में बता पाऊँगी, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सोनम ने मेरे करे नेल एक्सटेंशन, थैंक यू सोनम।
और इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करा है। ओके भैया, आप अपनी शॉप का एड्रेस और नाम बताओ। थैंक यू जतिन शर्मा। थैंक यू भैया। और ये मेरी फ्रेंड्स हैं, किरण, जानू और ये कौन है, उर्मिला मातोंडकर। तो गाइज, नेल एक्सटेंशन करवाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप रूटीनली मैनिक्योर करवाएं। मंथ में एक बारी मैनिक्योर आपको करवाना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट कि आपको क्यूटिकल ऑयल आफ्टर नेल एक्सटेंशन लगाना चाहिए, क्योंकि यार मैंने देखा जब ये नेल्स में ये चीज़ें करते हैं ना, और जब ये घिसते हैं इतना ज़्यादा, तो मतलब आप पूरे नेल का जो नेचुरल टेक्स्चर है वो पूरा ख़राब कर रहे हो। आई डोंट नो कि जब ये निकलेंगे तो उसके बाद में मेरे नेल्स की क्या हालत होने वाली है, और क्या वो रहेंगे भी ऐसे जो मैं उनको बेयर नेल्स कहीं भी ले जा सकूंगी, या मेरे को फिर से यही चीज़ करवानी पड़ेगी। बट एक ही जैसा नेल पेंट आप कितने दिन रख सकते हो? हार्डली 1 मंथ। ऐसे ज़्यादा ये टिकते भी नहीं है, क्योंकि अब देखो न्यू ग्रोथ आएगी तो ये आगे की तरफ पुश होंगे, बट मैं इतना मतलब इनको मेरे को कट करना ही पड़ेगा। और पता है सबसे बेकार चीज़ मुझे क्या लगती है, करवा तो आप लोग बट आपको निकलवाने के लिए भी वहीं पर जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है थोड़ी इसमें, मतलब मेरे को इसका नेगेटिव पॉइंट जो लगता है वो ये है। अब मैंने करवा तो लिया, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ करवाते हैं ना, तो हमें उसके उस टाइम पे नेगेटिव चीज़ें नहीं पता होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कत हुई, मेरे को मैसेज टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और क्रीम निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, आटा नहीं गूंथ सकती थी। मैंने यू विल नॉट बिलीव, मैंने आटा भी चम्मच से गूंदा था, मतलब समझ सकते हो आप, चम्मच से गूंदा था मैंने आटा। इसके अलावा जो हम क्रीम निकालते हैं, मतलब बॉटल से क्रीम निकालते हैं टाइम, सारी क्रीम तो नेल्स के अंदर ही घुस जाती है, कुछ भी काम नेल्स के अंदर ही घुस जा रहा है। खाना खाने मैंने तो जिस दिन मैंने नेल एक्सटेंशन करवा के घर आई ना, उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन नेल्स के साथ में नहीं हो सकती थी पहले, बट अब ध्यान रख लेती हूँ। मतलब जब खाना खाते टाइम कुछ नेल्स में घुस जाता तो बहुत गंदा लगता है। आई ऑलवेज क्लीन माई नेल्स, मतलब पहले खाना खाने के बाद हाथ धोने पड़ते थे, अब मेरे को नेल्स भी क्लीन करने पड़ रहे हैं। तो मतलब अगर ये सुंदर दिख रहा है ना, तो मैं थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। और क्या, और हाँ, गलती से कुछ उठा लो ना, और इन नेल्स में हल्का सा भी प्रेशर पड़ जाए या वेट पड़ जाए तो उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं कुछ प्लेट उठा रही थी, और वो प्लेट उठाते टाइम ना गलती से मेरा नेल पर प्रेशर पड़ गया, बट नेल मेरा टूटा नहीं। जब आपको कुछ उठाना हो ना, आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ रहा है कि यार ये नेल्स ना टूट जाएं, कहीं नेल्स ना टूट जाएं, कहीं फिर मेरा नेल ना उखड़ जाए, बहुत डर लगता है। जब आदत पड़ जाती है आई थिंक, तो सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। तो इसलिए करवाना है तो आप करवा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना, तो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो नेल एक्सटेंशन को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे नेल एक्सटेंशन कराने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। I'm listening to you.